हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। वैक्सीन यहाँ पहुँच गई है आज जो है कोरोना का वैक्सीन यहाँ पहुँच गई है, लगभग 18,000 डोज है। इसको कल हम कुल 18 सत्र पर पहुँचाएंगे। पहला सत्र है यहाँ सदर अस्पताल, बगल में गणपति हॉस्पिटल है, हाजीपुर PSC है, गरौल है और वैशाली है, महनार, फातेपुर, महुआ, ये 8 जगह कल वैक्सीन पहुँच जाएगी। कब से शुरू होगा? जगह सारी तैयारी हो चुकी है। 16 के सुबह से मैंने 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मिला गया पुलिस सुरक्षा में लाई गई। आज जो है वैक्सीन आ गया, ये 18,400 डोज आया है। अभी पहले फेज में जो है 8 साइट्स पर काम की शुरुआत की जानी है। तो 8 साइट पर जो काम शुरुआत की है उसमें हाजीपुर में 3 जगह है, सदर हॉस्पिटल, हाजीपुर PSC और एक प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए गणपति हॉस्पिटल में साइट रखा गया है। और बाकी जो है वो 5 प्रखंडों में है, फातेपुर, गरौल, महुआ, महनार, वैशाली। तो इन सब जगह पर जो है नहीं तो ऑलरेडी कोल्ड चेन आप लोग देख रहे हैं, मेंटेन रहता है, हमेशा ठंडा रहता है। इसको फिर जो रिप्लेस किया जाएगा तो फ्रिज में रखा जाएगा। फ्रिज से जहाँ वैक्सीन सत्र स्थल है वहाँ जो वैक्सीन कैरियर होता है उसमें 4 आइस पैक होता है, उसी में रखा जाएगा और वहीं से दिया जाएगा। बाहर रखने कितना देर रख सकते हैं? 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है और 2-4-10 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है वैक्सीन देने समय। ठीक है सर। वैक्सीन रखा हुआ है, ये अगर 2 दिन भी ऐसे रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग को रिप्लेस करना है।